hey guys welcome to my new vlog by with anshu roy so this vlog gonna be on a scam yes you heard it right scam i'm talking about the scam which are happening all around especially these days it's you know increasing day by day and uh, i will share your experience you know like how this ex uh, scams are happening दो इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव ऑल्सो गॉड्सैम्ड वंस कहते हैं ना लाइफ में जब आपका लो फेज चल रहा हो जब आपकी माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है तो आप कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप एक्चुअली जब आप नॉर्मल लाइफ में हो गए या जब आपका माइंड प्रॉपर सेंसिवली वर्क करता है तो आप नहीं करोगे सो दिस थिंग हैड विद मी ऑल्सो सो मेरे साथ हुआ या, ये था कि लाइक यू नो आई वॉज जस्ट ऐसे नॉर्मल फेज चल रहा था कुछ अच्छा नहीं लग रहा था यू नो आई वॉज फीलिंग मच लो देन उसके बाद आई गॉट अ मैसेज यू नो आई एम एच आर फ्रॉम दिस कंपनी एंड दे विल ऑलवेज टेक अ वेरी गुड ब्रांड नेम सो दिस इज द कैच यू नो तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट कर दो आई टोल्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू नो आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजिली दिस इज माई प्रॉब्लम विथ यू नो नॉर्मली मैं जो कोई इंसान भी बोले ना कि हाँ ये तो मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ बट उस दिन कुछ होता है ना कि लाइफ में जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है होता है तो आप ऑल ऑफ सडन जो आपकी पर्सनैलिटी होती है आप चेंज हो जाते हो एंड आप ट्रस्ट करने लग जाते हो किसी पे भी फॉर नो रीजन और वो भी अनोन पे तो उसके बाद मेरे को मैसेज आया कि आई एम एच आर हॉटस्टार हॉट स्टार और सम कंपनी उसके बाद मैंने पहले तो सोचा यू नो लाइक कि इतनी मेरी कंपनी मुझे क्यों कॉन्टैक्ट करेगी एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब एज वेल बिकॉज आई एम हैविंग माई ओन स्टार्टअप तो आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ उसके बाद से मैंने बोला कोई बात नहीं एक तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं करना है जस्ट आपको रिव्यू पोस्ट करना है एंड फॉर दैट दैट यू गोना गेट फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज मैंने बोला इतना कुछ हम लिख देते हैं चलो कोई नहीं रिव्यूज डालने का काम कंटेंट तो मैं लिखती ही हूँ तो ठीक है मैं रिव्यूज डालने के अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या बुरा है चलो करके देखते हैं तो फिर उसके बाद उन लोगों ने बोला कि एक लिंक दिया उन्होंने और इन्होंने बोला मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो एंड वहाँ पे इनके ना रिसेप्सनिस्ट होते हैं यहाँ पे एक मेंबर नहीं होते हैं। इनके दो या तीन मेंबर्स होते हैं जो ये सारे प्रोसेस को यू you नो know, मिल के ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद इन्होंने मेरे रिव्यू को अप्रूव करा एंड फर्स्ट रिव्यूज का दे हैव पेड मी वन फिफ्टी रुपीज़ और समथिंग बट इन्होंने बोला कि जस्ट टू गेन द ट्रस्ट आई एम पेइंग यू दिस बट आप उसके बाद आपके सारे रिव्यूज़ के जो पेमेंट होंगे वो फिफ्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ इस टाइप से होंगे डिपेंडिंग कि आप कितना कर रहे हो मैंने बोला ओके फाइन तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर और जी पे मांगा यू यु, यू पी आई डी मैंने बोला यू पी आई आई डी इज़ ओके आई विल नॉट गिव माई अकाउंट नंबर तो ही सेड ओके उसके बाद फिर इन्होंने uh, मुझे टेलीग्राम पे लिंकअप करा एंड देन वहाँ पे इनके ग्रुप होते हैं जिसपे यू नो मोर देन हंड्रेड प्लस मेम्बर्स एक्टिव होते हैं जो कि इनके ही लोग होते हैं बिल्कुल ही मुझे यही फील हुआ एंड उसके बाद ये वहाँ पर टास्क असाइन करते हैं डेली वाइज बिल्कुल ही टास्क ऐसे करेंगे जैसे आपको लगे कि वाओ मैंने किसी कंपनी में एम्प्लॉयड होता है जस्ट चेकिंग यू you नो know, कि ठीक है तो उसके बाद फिर मैंने उस टास्क को कम्प्लीट करा है देन दे केपट ऑन यू नो लाइक पेइंग द अमाउंट तो मैंने बोला ठीक है चल रहा है साइड बाई साइड क्या फ़र्क पड़ता है लिखने का तो शौक है ही चलो लिख देते हैं उसके बाद धीरे धीरे उस टास्क के बीच में दे विल अनाउंस अ टास्क जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड इनके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप इतना तब तक ट्रस्ट गेन कर चुके होते हैं इनके ऊपर क्योंकि देखो जैसे आपसे कोई काम ले रहा है तो उसके बिहाफ में इफ ही इज पेइंग यू द अमाउंट देन डेफिनेटली द ट्रस्ट लेवल विल डेवलप बट आपको ये नहीं पता ना कि इतने मतलब ट्रांजेक्शन्स ऊपर आने के बाद और वो कुछ स्कैम का भी सोच रहे होंगे तो फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि लाइक उन्होंने फिर मुझे एक टास्क करके मर्चेंट टास्क उसको कहते हैं एंड उसके बाद वो मुझे बोले कि आपको इन्वेस्ट करना होगा आप नॉर्मल दो हजार रुपए करो यू विल गेट द रिटर्न एंड मैंने दो हजार चलो क्या हो जाता है दो हजार ही तो डालना है मैंने दो हजार डाल दिया एंड आई गॉट द रिटर्न ऑफ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड उसके बाद आई सेड ओके अगेन दे हैव गेन माय ट्रस्ट एंड उसके बाद फिर उन्होंने आगे नॉर्मल uh, फिर करा उसके बाद फिर बीच बीच में ना ऐसा मर्चेंट टास्क डालते जिसको ऐसे दिखाएं कि ये पहली बार ऐसा टास्क आया है ये जल्दी आता नहीं है ताकि लोग इस पर ट्रस्ट करें और इन्वेस्ट करें कि वाओ माई मनी विल गेट इन नॉट इवन डबल बट एटलीस्ट लाइक ट्वेंटी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट इनक्रीज हो जाएगी इस चक्कर में आप ये चीजें कर देते हो उसके बाद फिर ये बिट वगैरह वगैरा पे ला देंगे तो मेरे साथ हुआ यूं था कि लाइक मैंने इनको 2000 दिया हो गया फिर पांच हजार रूपये दिए उसके बाद इन्होंने आगे चल के ग्रुप टास्क कर दिया तो पांच हजार और मांगने लग गए तो उसका कोई रिटर्न नहीं है पांच हजार से दस, थार, दस थार से पंदर हजार दस हजार से पंद्रह हजार पंद्रह हजार बीस हजार ऐसे कर, कर कर के ना इन्होंने इस टाइप से आपको एक वीसी सर्कल में फंसा देंगे ना कि आप भी सोचोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ तो आप ना पे करते भी जाओगे क्योंकि ये क्या है पता नहीं बट इस तरीके से ना फंसाओगे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ इन बिटवीन कि दे आर जस्ट ओनली टेकिंग माई मनी नॉट गिविंग एनी थिंग बैक एंड द प्रॉब यू नो वॉट एक तो ये टास्क इधर भी चल रहा होगा आपका दूसरी बात है कि आप जो है ना लाइक जो नॉर्मल वाला टास्क है रिव्यूज़ वाला वो भी कर रहे होगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने का तो आप ना एक चीज करते जाओगे बट मेरे साथ जब बहुत ज़्यादा पैसे निकल गए ना आई वॉज लाइक कि यार ये पैसे देना ही नहीं चाहते हैं ये सिर्फ लेना चाहते हैं दिस इज वॉन्ट यू टू बिकम अ बैंक क्रप्ट आई वुड से कि वो रोड पे लाने वाली सिचुएशन थी तो मैंने फिर जब मेरे बहुत पैसे निकल गए देन मैंने सीधा स्टॉप करा उस चीज़ को एंड उसके बाद मैं चली गई साइबर सेल नहीं उससे पहले एक और चीज़ हुआ कि मेरे साथ जब ऐसा हुआ ना कि जब और एक एक लाख रुपये मांग रहे थे तो मेरे को ना एक इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आ चुकी थी कि नहीं यार इट्स नॉट यू नो गोइंग टू हैपन यू नो दे आर जस्ट स्कैमिंग मी बट स्टिल उनके इतने बंदे होते हैं वहाँ पे कि वो आपको फिर पर्सनल टेक्स्ट करने लग जाएंगे कि मैंने तो कर दिया आपके पैसे भी वापस आएंगे मैंने जब पूरा अमाउंट पे कर दिया तो आपके पैसे मिल जाते हैं हमें तो मिल गया ऐसी चीजें इनफैक्ट वो अकाउंट नंबर क्रेडिट हो रहा है वो सारी चीजें भी वो दिखाने लग जाते हैं तो ये सारे फ्रॉड हैं कुछ भी ऐसा नहीं है आप डोंट ट्रस्ट इन इन सब लोगों पे कि अगर ग्रुप का कोई बंदा क्योंकि ग्रुप में इनके ही लोग होते हैं जो सारा यू नो स्कैम करते हैं मिलके कि यू you नो know, लेकिन वो लोग ऐसे जगह इन जनरल आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो, तो दे विल टॉक टू यू वेरी रब आई वुड से वेरी हार्श वे में कि हमने किससे बात कर लिया और लेकिन जब आपको कन्विंस करना होगा कि हमारे तो पैसे मिल गए दे विल जस्ट लाइक एक ऐसा लाइनर यूज करेंगे ना कि बस उनको उतना ही बताना था ज्यादा ये लोग बात नहीं करते इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने बोला नहीं मैं इन्वेस्ट कर आप मुझे मेल पे लिख के दो आप ये सारी चीज़ें करो मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई इनफैक्ट आई टोल्ड कि काम करो आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस दे दो मैं वहां पे आती हूँ आप क्या दो लाख चार लाख क्या आप दस लाख ले लो बट एटलीस्ट मुझे अपना एड्रेस तो एटलीस्ट मुझसे मिलो तो हाउ कैन आई रिलाई ऑन यू बट दे वेल लाइक नो मैम यू विल गेट द मनी यू विल गेट द मनी जस्ट ट्रस्ट ऑन यू ट्रस्ट कैसे कर लोगे आप किसी पे जो बंदा मेल पे कुछ नहीं दे रहा है तो मेरे को बहुत सस्पिशियस लगा बहुत ज्यादा सस्पिशियस का तब तक मेरे मैंने एक सम ऑफ अमाउंट दे चुकी थी अच्छा खासा अमाउंट दे चुकी थी उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी था कि मेरे को अब एक पेनी भी नहीं एंड आई गॉट स्कैम देन आई रन टू रन टू द साइबर सेल ऑफिस फिर आ, वहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बस बोला कि मैम जो भी स्कैम हुआ है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है यहाँ से कुछ नहीं होगा आपको ऑनलाइन जाके अब साइबर सेल की साइट पे जाके आपको सारे अपने यू नो लाइक ब्रीफ करना हो कि एग्जैक्टली बॉट एड हाफ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आप वो सारी चीज़ें अटैच करो देन उसके बाद आपका इंस्पेक्टर असाइन होगा एंड उसके बाद फिर आप ना लाइक यू यू कैन लाइक गेट योर मनी और जो भी हो गेट योर मनी नहीं होगा लेकिन आपका इंस्पेक्टर आपके साथ आपके केस पे वर्क करेगा तो आई वाज लाइक ओके उसके बाद फिर मेरे को लगा यार ये चीजें ना वर्क नहीं करेगी क्योंकि जिसका नंबर मेरे पास आया था ना उसका नंबर ऑफ जा रहा था तो उन्होंने ऑटो ऑसाइन पर डाल दिया होगा और वो नंबर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा कोई इंस्पेक्टर का नहीं आया जो भी आया वो बन जा रहा था कोई एक्टिव इंस्पेक्टर का नहीं आया फिर इसके बाद मेरे साथ लाइक मुझे कांटेक्ट मिला जिसने मेरे को बोला कि चलो एक काम करते हैं लाइक ए से आपको मिलवाते हैं और वहां पे आप जाके उनको बोलो कि ये चीज हुआ है तो क्या पता इस केस की वेट आपकी थोड़ी सी यू नो लाइक दे विल वर्क ऑन यू लाइक ठीक है ए सी पी इन्वॉल्व है तो आई सेड ओके देन मैं रोहिणी के ए सी पी से मिली एंड दैट सर वॉज रियली वेरी नाइस उन्होंने मेरे केस पे लाइक चेंज कर दिया जो मेरी सब इंस्पेक्टर असाइन थी कोई गोल थी अंजू नेम से थी उन्होंने उसको छोड़ के फिर एक

यू नो लाइक यहाँ पे साइबर सेल के जब मैं ऑफिस जाती थी उनको अपने मैसेजेस दिखाने के लिए जब हम लोग वहाँ बैठ के सारी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते थे इनफैक्ट वहाँ पे जो केसेस आते थे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा यू नो लाइक आपको टॉर्चर करके मेंटली टॉर्चर करके वन केस हैज़ हैपेन्ड वेयर यू नो दैट गाय वॉज ए मैन वॉज देअर उसकी ही वॉज अ टीचर तो सम्बडी टोल्ड की यू नो यू हैव टू पे द मनी इज आई विल किल योर फैमिली, ओके दिस थिंग हैड हैपन एंड ऑन दैट नेम वो डर से वो बंदा अपना सारा पैसा अपना सब कुछ वो देता चला गया देता चला गया एंड एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कुछ नहीं बचा देने को सिवाय घर के उसने सारी ज्वेलरी सब कुछ दे दिया पच्चीस लाख से ऊपर के गैजेट्स और गैजेट्स कह रही हूँ लाइक एसिड्स दे दिया एंड उसके बाद फिर यू नो लाइक ही डाइड अब उसकी वाइफ आई थी यू you नो know? तो आई मेट हाउ बट शी टोल्ड मी दिस इज आर हैपन एंड वो इतना डर चुके थे कि उनकी फैमिली कोई हार्म ना कर दे और उन्होंने हमसे बताया नहीं तो स्कैम्स आर हैपनिंग इन अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट वेज यू नो इवन दिस डेज ऑन मैरिज पोर्टल्स इवन लाइक जीवन साथी एंड अदर्स इवन द डेटिंग जहां भी है बहुत सारे केसेज यू नो यू गेट टू नो कि यहाँ भी बॉयज़ गर्ल्स आर कनेक्टिंग फॉर द सेक ऑफ मैरिज उनको लगता है कि मैरिज ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग बहुत इमोशनल कनेक्ट जुड़ा होता है उनको लगता है कोई बात नहीं थोड़ा सा कोई पैसे मांग रहा है इट्स ओके बट दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल गाइज दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल यू शुड नॉट गिव योर मनी टू एनी यू नो विदाउट नोइंग दैट पर्सन इज़ रियली यूज बिकॉज लोगों कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है क्या नहीं है लोगों को बस फर्क पड़ता अपना मतलब निकालना है और निकल जाना है आपकी ज़िंदगी से दे विल ब्लॉक यू जस्ट ऐसे और उसके बाद कोई मतलब उनको मतलब ही नहीं है तो ये चीज़ें आप कभी मत करना लाइफ में कि कोई इंसान अगर आपसे पैसा मांग रहा हो या फिर कोई इंसान आपसे इस तरीके से एच आर हूं मैं उसको वेरीफाई करना प्लीज वेरीफाई करना एंड उसके बाद आप उनको पैसे देखो जॉब के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है राइट जॉब आपको कंपनी पैसे लेके ले नहीं देती है कंपनी उल्टा आपको पैसे देती तो ये चीज़ें तो कभी मत करना बट यस yes, ये कि रिव्यूज़ वाला पोस्टिंग है वैसा चीज़ कि आपको लगता चल है चल ठीक है यार रिव्यूज़ ही तो डाल रहे ना क्या फर्क पड़ता है तो ये गलती मेरे से हुई थी एंड इट वॉज अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड अब यू नो जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है ना तो यू स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल इट्स वेरी मेरे लिए ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट एबल टू यू नो ट्रस्ट इवन अ सिंगल फ्रेंड ऑफ माइन मेरे साथ ऐसा हो गया था कुछ टाइम के लिए कि यार पता नहीं अब कोई ऐसे पैसा मांग देना तो आई एम लाइक स्टे अवे फ्रॉम मी नो आई डोंट आई वॉन्ट एनी रिलेशन मैं एक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी इफ सम गाय विल कम इन माई लाइफ एंड मनी बिकॉज ये आर पैसा क्यों आप चलो कहीं कि कुछ खाना है कुछ पीना है दैट इज वेरी ओके यू नो बट आप पैसा मांग रहे हो बेवजह नॉट गुड एट ऑल ये अगर वो बंदा आपका अपना है जिसको आप लॉन्ग रन में जानते वो सारी चीजें ठीक है बट आप ऐसी गलतियां मत करना सो देर आर सो मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन अपने अकाउंट को सेफ रखो अपने डिटेल्स मत दो नो मैटर हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग पीपल प्लीज डोंट डू आई डोंट फील लाइक अपार्ट फ्राम योर फैमिली और सम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स जो आपके साथ फ्राम अडिकेड है बहुत लॉन्ग टाइम है जिन पर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो उसके अलावा प्लीज किसी पे भी ट्रस्ट मत करना गाइज रियली इट्स अ वेरी यू नो वर्स्ट थिंग ऑफ लाइफ क्योंकि आप हम बहुत ईजली किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद इसके जो रिपोकशंस हमारे सामने आते दैट्स वेरी बियड सो वो चीजें नहीं करना है एंड अरेस्ट क्या मेरा पैसा तो वापस आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ए सी पी सर एंड दिल्ली पुलिस सो यस आई एम हैप्पी दैट आई ही फ्रॉम पटना बट स्टिल यू नो दिल्ली पुलिस हैज रियली वर्कड ऑन लाइक इज सो वेल सो सिंसियरली एंड इसके लिए मैंने फिर एंड में जाके जब जा मेरा पैसा आने के बाद मैं कोर्ट गई जो बंदा था अक्यूज था वो वहां पे आया उसने भी फिर मैं जज के सामने बोली कि आई डोंट हैव एनी ग्रीवेंसेज अगेंस्ट हिम एंड उसके बाद एक केस को क्लोज हुआ इनफैक्ट साइबर सेल में जो के जो साइबर वाली जो केसेस है ना अगर आपने उस केस में अगर आपने बोल दिया कि यस आई हैव सम एंड आई वांट टू पनिश दैट गाय देन डेफिनेटली गाइस वो बंदे को कभी बेल नहीं मिलेगी सो दैट्स अ वेरी बिगेस्ट क्राइम यू नो सो जल्दी लोग पकड़ नहीं आते हैं लेकिन जो लोग हो जाते पकड़ में आ जाते हैं उसके बाद तो उनका देर इज नो वे आउट सो प्लीज गाइज अपने अकाउंट्स uh, को अपने जिसपे भी आप प्रेस करो कीप योर आईज यवरी थिंग ओपन एंड मैं तो समझ गई आप भी समझ जाओ एंड मैं अपनी लाइफ में ऐसे मिस्टेक्स कभी नहीं करती हूँ लिटरली कभी नहीं करती हूँ बट हाँ कभी होता है ना बैड फेज में कुछ भी कर जाते हो तो मेरा वही फेस था सो so ना वो निकल चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेट विद अ वेरी नाइस इंस्पेक्टर जिसने मेरे साथ बहुत अच्छा यू नो लाइक सपोर्ट किया मेरे को एंड uh, मेरे पैसे दिलवाने में हेल्प किया फाइल इतनी मोटी फाइल हो चुकी थी जब उन्होंने उस पर वर्क करा था क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुके थे वो पैसे और उसको ना देट वॉज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मीन जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा सो गाइज स्टे अलर्ट एंड विद दिस लेट्स एंड दिस ब्लॉग सो बाय गाइज मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ बाय टेक केयर लव यू ऑल एंड स्टे अलर्ट